हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुक विद रेनू हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर इडली। तो चलिए दोस्तों, आज की सांभर इडली की रेसिपी है जो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लिया मैंने सूजी 1 कप और यहाँ लिया मैंने 1 कटोरी दही और 1 कट यहाँ पे लिया मैंने बर्तन। तो बर्तन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूजी डाल देते हैं और अच्छे से थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अभी हम दही नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हम पानी डाल लेते हैं ताकि कि हमारी सूजी है जो अच्छे से फूल जाएगी पानी से। अभी देखिए काफ़ी सारा पानी लग रहा है, जैसे जैसे सूजी फूलेगी वैसे ही ये पानी को सोख कर लेगी अच्छे से। तो करीबन हम इसको 2 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे पानी के अंदर। यहाँ देखिए हमारी काफ़ी सारी सूजी है जो फूल चुकी है पानी से। और अब डाल देंगे यहाँ पे हम नमक, यहाँ लिया मीठा सोडा और यही डाल देंगे हम दही वाली छाछ और अच्छे से मिला लेते हैं। हमने दही डालने के बाद में अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं करीबन 5 मिनट के। हमारे 5 मिनट हो गए, ढक्कन को हटा लेंगे और सूजी देखिए गाढ़ी हो चुकी है, इस तरीके के हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इडली स्टैंड लेंगे और फिर इसमें हम इडली बनाएंगे। मैंने इडली स्टैंड ले लिया है और इसके अंदर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने पानी डाला है 2 गिलास। 2 गिलास डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं प्लेट को इडली के। तो सभी में ऐसे ही चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से चिकना कर लिया। अब हम यहाँ पे सूजी को इस तरीके से 1-1 चम्मच छोटा इसके ऊपर फैला स्टैंड में डाल देते हैं। देखिए हमने सभी इडली प्लेट में सूजी को यानी इडली को फैला लिया है, लगा दिया। अब इसको हम ढक्कन लगा देते हैं करीबन 5 से 6 मिनट तक। तो यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं हम सावधानी से। ये देखिए काफ़ी सारे फूले फूले हमारी इडली जो तैयार हुई है, तो उसको हम चेक करेंगे एक बार। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप कोई तरीके की भी सीख ले सकते हैं या फिर चाकू से भी कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल साफ निकली है, तो ये आनी हमारी बन चुकी है। तो इनको हम निकाल लेंगे, तो इसी तरीके से हम बाकी की बची हुई भी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये ठंडी कर ली है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे हम इस तरीके से चाकू घुमाते हुए, तो ये निकल जाएगी एकदम। ये देखिए एकदम फूली फूली और एकदम स्पंजी बनी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। जी हमारी सारी इडली जो बनके तैयार है गर्मा गर्म। तो अब बनाएंगे इसका सांभर खाने के लिए, जो और ही स्वाद टेस्टी हो जाएगा इडली खाने का। तो चलिए अब सांभर बना लेते हैं। हम बनाने के लिए यहाँ पे लिए मैंने हरेल की दाल और यहाँ लिए मैंने आधी लौकी यानी पूरी लौकी, आधी किलो से थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने इसमें आधी लौकी ली है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को मिला के कुकर में सीटी लगा लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने लौकी और दाल को अच्छे से इस कुकर के अंदर डाल दिया। अब हम पानी डाल देंगे, करीबन 2 गिलास पानी लिया है यहाँ मैंने। यहाँ देखिए मैंने कुकर में लौकी और दाल चढ़ा दिए और अब हम डाल देते हैं यहाँ पे हम नमक। और जो आपको सब्जियाँ पसंद हो, गाजर, सहजन की फली, बैंगन, जो भी आप सब्जी खाते हो वो भी इसमें डाल सकते हो। मेरे पास सिर्फ मैं लौकी और दाल का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम 1 सीटी आने तक कुकर को ढक्कन लगा के रख देंगे। हमारी लौकी और दाल उबलती है जब तक हम तड़का बना लेते हैं। इधर मैंने करीबन 1 छोटा चम्मच तेल लिया है, पैन के अंदर हमने डाल दिया है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। डालेंगे यहाँ पे हम राई के दाने 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच ले रहे हैं यहाँ पे जीरा और 2 सूखी वाली लाल मिर्ची। तो इनको जीरा और राई को हम अच्छे से सेकने देंगे और राई और जीरा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब डाल देते हैं यहाँ पे हम कड़ी पत्ते और डालेंगे प्याज। तो प्याज
प्याज को हम भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज को अच्छे से भून लेते हैं हम चलाते हुए। मुझे गर्मी बहुत लग रही है यार दोस्तों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं एसी लगवा सकूँ चुकू। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी अच्छे से सिक चुकी है। और यहाँ लिया मैंने सूखा वाह वाला नहीं, प्याज हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अब डालेंगे यहाँ पर लहसुन, ये हरा वाला लहसुन है जिसको हमने सर्दियों के मौसम में सुखा के रखा है, तो इसको भी डाल देते हैं। और इसको भी हल्का सा सेक लेंगे लहसुन को, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सांभर में। और यही डाल देते हैं हम टमाटर, टमाटर को पका लेते हैं अच्छे से। फिर यहाँ देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक चुके हैं। अब हम मसाले डाल देते हैं। मसाले में डालेंगे यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक बड़ी चम्मच डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, और दो बड़ी चम्मच लिया है यहाँ पे मैंने सांभर मसाला। तो अच्छे से मिला लेते हैं सभी मसालों को। तो यहाँ देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिला लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं मसाले को। अगर हमारी सीटी लग चुकी है तो हम कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए लौकी और दाल हमारी अच्छे से घुल चुकी है बिल्कुल हमें, ये देखिए इस तरीके की चाहिए, थोड़ा पतला ही होता है सांभर। तो ये देखिए दाल और लौकी, अगर आप थोड़ा सा इसको जैसे छाछ बिलोते हैं ना उससे भी इसको चला सकते हैं, अगर आपके लौकी दाल थोड़ी खड़ी सी रह जाए तो इससे बिल्कुल महीन कर सकते हो उसको। तो ये तो हमारी अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम इसमें मसाला जो हमने बनाया ना वो डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम मसाले को डाल लेते हैं। इसे मिला लेंगे। देखिए हमने पैन में इसको डाल दिया है क्योंकि हमारा मसाला चिपका था, तो मैंने इसी में डाल दिया है। फिर अब डालेंगे यहाँ पे दो नींबू का रस लिया है क्योंकि सांभर हमें खट्टा ही अच्छा पसंद है। तो बस यहाँ पे हमने नींबू डाल दिया गैस बंद करने के बाद में। और अब हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया, तो बस अच्छे से मिला लेते हैं। तो लीजिए हमारा सांभर इडली तैयार हो गया बनके। तो चलिए अब गर्मा गर्म कर लेते हैं खाने के लिए प्लेटिंग। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, तो इसके अंदर हम सांभर डालेंगे और यहाँ रख लेते हैं हम इधर। तो ये हमारी गई गर्मा गर्म में सांभर में इडली। तो एक जने के लिए दो इडली काफ़ी है। तो थोड़ा सा यहाँ डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए हमारी सांभर इडली रेसिपी है जो बनके तैयार है। अगर आपको सांभर इडली की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि सांभर इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।